नमस्कार दर्शकों, मैं सपना मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल चटपटी रसोई। तो आज हम चटपटी रसोई में कुछ नया लेके आए हैं। तो आज मैं बताऊंगी चटपटी रसोई में कुछ नया सिखाऊंगी बेसन के लड्डू बनाने। बेसन के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, बशर्ते कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो बेसन के लड्डू बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे बेसन के लड्डू बनेंगे। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैं एक छन्नी लूँगी बेसन को चलने के लिए, और ये हमें मार्केट से आधा किलो है, 500 ग्राम बेसन है। इसको मैं छन्नी से काट के मैं चाल लूँगी, इसको मैं इस तरह से पूरे बेसन को इस तरह से मैं चाल लूँगी कि जो भी वेस्टेज चीज़ है इसमें से निकल जाएंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए बेसन को मैं अच्छे से चाल ली हूँ, आधा किलो बेसन भी है। ये मैं बड़े कटोरी से कटोरी में घी ली हूँ, देसी घर का है, और ये चीनी का भूरा है, ये भी आधा किलो है। जितना बेसन रहेगा उतना ही हमारा चीनी भी बढ़ेगा, चीनी का भूरा। तो इसी मैं तीन चीज़ों से बनाऊँगी। तो मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी, गैस का फ्लेम ऑन करके पहले मैं इसमें घी डालूंगी। सारा मैं घी एक साथ नहीं डालूंगी, इतना ही मैं डालूंगी, और जरूरत पड़ी तो फिर मैं बाद में डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। घी हमारा इस कढ़ाई में मेल्ट हो गया है, अब मैं बेसन को यहाँ पे डालूंगी। बेसन को मैं इसमें डाल दी हूँ, अब इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही इसको भुनना है। ज़्यादा गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, क्योंकि हाई करेंगे तो हमारा बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा और जल्दी से बेसन लाल हो जाएगा, लगेगा कि भुन गया है। कुछ लोग की शिकायत रहती है कि ये अच्छे से भुनता नहीं है, गुठलियाँ पड़ जाती हैं। फ्रेंड्स, ये बेसन है, घी है, इसको अच्छे से हम इस तरह से मसलते हुए भून लेंगे, गुठलियाँ एक भी नहीं रहेगी, सारी बेसन दानेदार लड्डू बनेंगे, इसके गुठलियाँ सब ऐसे करने से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह मैश करते हुए चला लेना है, बाद में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, गुठलियाँ शुरू में ही थोड़ा सा पड़ती हैं, दिक्कत करती हैं। इसको ऐसे कर लेंगे, मेल्ट हो जाएगा तो गुठलियाँ फिर बाद में नहीं पड़ेगी। बेसन हमारा आधा दिया भून चुका है, देखिए कलर कैसे चेंज हो रहा है, और जो भी गुठलियाँ थी सब मेल्ट हो गई है। देखिए इसमें अभी भी गुठली नहीं दिख रही है। इसी तरह मीडियम फ्लेम पे लगातार कलछी से चलाते हुए इसको भुनना है। अगर जो हम कलछी रोक देंगे, नहीं चलाएंगे, तो कढ़ाई के नीचे बॉटम में बेसन चिपक जाएगा, लाल हो जाएगा, काले हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, हमारे बेसन के लड्डू भी दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए इसको लगातार ऐसे चलाते हुए भून लेना है अच्छे से। हमारा बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा तो लड्डू खाते वक्त दांतों में चिपकेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड्डू खाते वक्त दांत में चिपकता है, तो अच्छे से नहीं भुना होता है वही लड्डू दांत में चिपकते हैं। इसलिए यहाँ पे भूनते वक्त बिल्कुल टाइम का परहेज ना करें, बिल्कुल आप फुर्सत में हों तभी लड्डू बनाएं, इसमें समय लगता है। तो जब फुर्सत में रहें तभी बनाइए, और इसके गैस का मीडियम बिल्कुल कम करके इसको धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। देखिए अब हमारा मीडियम फ्लेम पे मैं कब से भून रही हूँ, 10-15 मिनट हो गए हैं, तो हमारा कलर चेंज हुआ है थोड़ा। अभी इसको और भूनना है, भूनूंगी, और इसमें घी की भी कमी लग रही है, इसमें मैं घी भी अभी और डालूंगी, इसमें घी और मैं डालूंगी यहाँ पे। इसमें बेसन के लड्डू में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसे घबराया नहीं, जब घी हो तभी बनाया, नहीं तो घी नहीं पड़ता है इसमें तो लड्डू हमारा अच्छा नहीं बनता है। घी डालते हुए इसको मैं चलाते हुए इसका गोल्डन ब्राउन कलर मैं दूंगी इसको भूनते हुए। जब गोल्डन ब्राउन कलर जब हो जाएगा तब समझेंगे कि हमारा बेसन रेडी है लड्डू बनाने के लिए। देखिए अब हमारा बेसन धीरे धीरे घी छोड़ रहा है, इसी तरह गोल्डन ब्राउन तक मैं भूनूंगी इसको चलाते हुए। कलर बढ़िया आ रहा है, अच्छे से जितना बढ़िया से बेसन भुनेगा लड्डू हमारा उतना ही अच्छा बनेगा।
इसलिए इसको अच्छे से चलाते हुए भूनना है ताकि हमारे लड्डू स्वादिष्ट बने। देखिए हमारा बेसन कितना अच्छा भुन गया है। थोड़ा सा इसका कलर और मैं ब्राउन करूंगी, 5 मिनट तक और मैं इसको भूनूंगी। आपको इसको भूनते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब 5 मिनट मैं इसको और भूनूंगी। देखिए बेसन कितना घी छोड़ दिया है, कितना अच्छे से भून रहा है। और मैं एक कटोरी से थोड़ा कम घी ली थी और देखिए उसमें से इतना सारा मेरा घी बच भी गया है, सारा घी नहीं लगा है, इतना ही मैं डाली हूँ। जो मैं ये करछी चला रही हूँ इससे हमारा 5 चम्मच घी लगा है, इतना छोटा करछी है। आप देख लीजिए 5 चम्मच घी में मेरा लड्डू पूरा तैयार हो जाएगा, इससे ज़्यादा घी नहीं लगेगा। और अब इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा और इसको मैं ब्राउन करूंगी, 5 मिनट और मैं भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी कैसा हो जाता है। देखिए हमको 5 मिनट फिर से भूनते हुए हो गया है इसको, और हमारा बेसन अच्छे से भून गया है। अब मैं यहीं पे गैस का फ्लेम मैं ऑफ करूंगी और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी ठंडे होने के लिए। देखिए कितनी इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है और कलर कितना प्यारा हो गया है। ऐसा ही आप भी कलर दें बेसन भूनते वक्त, ना गले में चिपकेगा और दानेदार लड्डू बेसन के एकदम मार्केट से भी अच्छी बनेगी लड्डू। तो अब इसको कढ़ाई हमारी गर्म है तो इसमें मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो बेसन हमारा नीचे से जल जाएगा। एक थाली में मैं इसको निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए। देखिए मैं एक थाली ली हूँ, अब इसी में मैं इसको निकाल लूँगी ठंडे होने के लिए। इसमें कढ़ाई में छोड़ दूँगी तो जल जाएगा नीचे से, इसलिए इसमें से मैं थाली में निकाल रही थी तो मैं सारा निकाल लूँगी। देखिए अब मैं एक थाली में इसको पूरा फैला ली हूँ और इसमें गरम पे मैं चीनी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि गरम में मैं चीनी डालूँगी तो और ये पिघल जाएगा, ज़्यादा ढीले हो जाएंगे तो हमारा बेसन के लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं इसको ठंडे होने के लिए फैन के नीचे रखूंगी। जब बिल्कुल ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हाथ से टच करके देखना है, अगर जो हाथ से सहन हो पाए उसी टाइम पे चीनी डालना है। हल्का हल्का गर्म रहेगा तो ही, ज़्यादा गर्म नहीं, केवल हल्का ही गर्म चाहिए। तो मैं इसको ठंडे होने के लिए रख रही हूँ। मैं यहाँ एक पैन रख ली हूँ और ये मैं मगज के बीज थोड़ा सा लूँ हूँ लड्डू में डालने के लिए। आप वहाँ चाहे तो काजू, किशमिश, बादाम, जो भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स हो उसको डालें, पर मैं और कुछ वो सब नहीं डालूंगी, केवल ये मगज के बीज है मैं इसको डालूंगी। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको पैन पे गरम कर भून लूंगी। इसको भूनने से लड्डू में टेस्ट बढ़िया आएगा, कच्चा ना डालें नहीं तो कच्चापन रहता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको भी मैं इसको भून लूंगी। देखिए मगज के बीज भी हमारा चटक रहे हैं और अब धीरे धीरे फूल रहे हैं, ये भी हमारा अब भून के रेडी हो गया। अब मैं गैस का फ्लेम बंद करूंगी और इसको एक मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अब बेसन का जो मिक्सर है, ये मिक्सचर अच्छे से हमारा ठंडा हो गया। देखिए मैं हाथ इस पे रख पा रही हूँ, हल्का सिर गर्म है, हल्का हल्का गर्म है। अब इसमें यहाँ पे ये मैं मगज के बीज रखी थी, इसको मैं यहाँ पे मिला दूँगी अच्छे लगने के लिए। आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं। आधा किलो बेसन के लिए, आधा किलो ये हमारा चीनी का भूरा है, इसको मैं मिला दूँगी। अब इसको सारे चीज़ों को मैं अच्छे से इस तरह से मिला लूँगी। देखिए मैं इसको हाथे से ऐसे मसलते हुए इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है, मसल लेना है, जब तक ये लड्डू बनने लायक ना हो जाए तब तक इसको एकदम बढ़िया से एकदम मसल लेना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन का लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर हमारा एकदम मस्त रेडी हो गया है बनके। मसल ली हूँ मैं अच्छे से, अब इसका मैं लड्डू बांध के दिखाऊँगी आपको। लड्डू हमारा बन के एकदम परफेक्ट रेडी है, गोल एकदम। बहुत लोग दोनों हाथ से बांधते हैं, मैं एक हाथ, दोनों हाथ से दो लड्डू साथ में बांध लेते हैं, मैं एक हाथ से दोनों हाथ मिला के बांध रही हूँ। देखिए गोल कितना दानेदार लड्डू बेसन के मस्त बने हैं।
मस्ती नहीं सुपर बने हैं। ऐसा दुकान पे भी इस तरह से दानेदार लड्डू बढ़िया नहीं बनता है। इसको मैं एक प्लेट में मैं रख दूंगी और इसी तरह मैं दूसरा लड्डू भी आपको मैं बांध के दिखा रही हूँ। इसी तरह मैं सारा लड्डू बांध लूँगी। फ्रेंड्स, लड्डू बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस शर्तें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि बेसन भूंजते में बढ़िया से भूनना है, गैस का मीडियम लो करके धीरे 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 उसको भूनना है। हमको आधा किलो बेसन भूनने में आधा घंटा समय लगा है। तेज़ आंच करके भूनेंगे तो हमारा बेसन जल्दी से भुना हुआ दिखने लगेगा और खाने में स्वादिष्ट टेस्टी नहीं लगेगा, क्योंकि वो कच्चा ही रह जाता है, अच्छा से नहीं भूनता है। देखिए, अब ये हमारा दूसरा लड्डू भी बन के रेडी है, देखिए गोल। इसी तरह मैं सारे लड्डू बांध के आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मस्त देसी घी के बेसन के लड्डू सुपर डुपर एकदम तैयार होके रेडी हो गया है। मन तो कर रहा है कि एकदम तुरंत अभी इसको खा लें। और आधा किलो बेसन था, आधा किलो चीनी था, चीनी का भूरा, उससे हमारा 30 लड्डू बन के रेडी है। इसमें से 6 लड्डू बांधते वक्त हमारे घर के सदस्य लोग खा लिए हैं, इसमें 6 लड्डू कम हो गए, 24 लड्डू हैं। तो यानी आधा किलो से आपका 30 लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ना, कितना बढ़िया स्वादिष्ट कलर भी आया है और खाने में स्वास्थ्य वर्धक, घर पे सारे बढ़िया चीज़ों से, बढ़िया क्वालिटी से, बढ़िया घी और साफ़ सफाई से बना हुआ है। और इतनी पैसे में आप दुकान से ले आते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं हम कुछ कह नहीं सकते, क्या मिलाते हैं मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैं जैसे बताई हूँ इस तरह से घर पे एकदम बेसन के दानेदार लड्डू बनाइए, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनेगा। और लॉकडाउन था तो मैं सोची कि घर पे सारी दुकानें बंद है तो घर पे क्यों ना लड्डू बना के खाया जाए और अपने फ्रेंडों से शेयर किया जाए, ताकि आप भी इसी तरह बना के लड्डू घर में खाइए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और फिर अगर जो मेरी ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी जो भी अगला वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी।